मात्र शास्त्र जो उदासीनाचार्य शिवचंद भगवान के स्वयं के स्वरूप की प्रकट दिव्यता है, इस पर बहुत सुंदर विवेचन श्रीमद् भगवद् गीता के मंत्रों के साथ जोड़ करके ऐसी मात्रा के पहले कोई आवागमन छुड़ावे सोई बड़ी अद्भुत विवेचना आदरणीय प्रोफेसर नरेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा सबने श्रवण की, चिंतन की, क्योंकि गहराई है उनके पास, एक लंबा अनुभव है शास्त्रों का और मात्रा शास्त्र का भी विशेष रूप से। मंच पर श्रद्धे अच्युत भट्ट जी यहाँ उपस्थित हैं और पीछे कुर्सी पर साहित्य जगत के बहुत वंदनीय हस्ताक्षर आदरणीय प्रोफेसर विष्णुदत्त राकेश जी, हमारी दृष्टि पहले नहीं गई थी कि पीछे कुर्सी पर बैठे हैं, वो भी विशेष रूप से आज यहाँ उपस्थित हैं। तो थोड़ा थोड़ा समय हम आदरणीय अच्युत भट्ट जी श्रीधाम वृंदावन से यहाँ कृपा पूर्व इस मौसम में भी आए हैं, उनके द्वारा कुछ मिनट श्रवण करते हैं। मिर्यासश्यामलिम्नां परिणतिरमितः प्रेम लक्ष्मीभराणां साक्षात्कारकृपाणां अखिलमधुरिमा सम्पदां सम्प्रदायः गाम्भीर्यं बिभ्रमाणां उपचितिरमितश्चातुरीणां चरम्बो भूयात् आभीर्नारी कुछ कलश तटा लंकृति मंगलाय वृंदावनकम् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादः यस्या प्रसादान् न गति कुतोपि ध्यायन् स्मरन् तस्य यशस्वि सन्ध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। प्रेमदात्री इस रजरानी को प्रणाम करते हुए महाराज श्री के श्री चरणारविंद में कोट कोट वंदन। यहाँ विराजमान मंच पर जो शैनुषी अपूर्व प्रतिभा विराजमान है उनके श्री चरणारविंद में कोट कोट वंदन। मंच की मर्यादा को स्थापित करने के लिए उसका संचालन करते हुए श्री गीता मनीषी जी विराजमान हैं, उनके श्री चरणारविंद में कोट कोट वंदन। शरीर और मन इनकी एक जुगलबंदी बनी हुई थी, परंतु 81वें शरद में प्रवेश करने पर मन तो उतना ही उत्साहित है, परंतु अब देह कहीं पिछड़ता हुआ चला जा रहा है और महाराज जी का आवेश वो इतना प्रबल रहा कि यहाँ आने का सहज ही ये सुयोग प्राप्त हो गया और उसने मेरे पास में विराजमान श्री महाराज श्री की बड़ी भारी कृपा रही कि उन्होंने यहाँ लाने के लिए वृंदावन से यहाँ लाने के लिए एक साधन उपस्थित कर दिया और उनके आनुगत्य में उस लोभ
कहीं पूर्ण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम राघवनगा भक्ति के उपासक रहे हैं और राघवनगा भक्ति के चार स्तंभ माने गए हैं, लोभ, अनुगत्य, कृपा और स्वरूप बोध। इन चार के द्वारा वस्तु की प्राप्ति होती है। यहाँ विराजमान जो संतों की परंपरा है, उस संत परंपरा को प्रणाम करने का जो लोभ, उसको रोका नहीं जा सकता है। संत का तात्पर्य है जो लक्ष्य के प्रति सन्नद्ध हो, उसे संत कहें। साधु और संत में थोड़ा सा अंतर है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कहीं पूर्व संस्कार के कारण थोड़ी सी कहीं कच्चापन हो, उसको साधु कहेंगे। परंतु जहां कच्चापन नहीं है और सन्नद्ध होकर के जो विराजमान है लक्ष्य के प्रति, साधन के प्रति, उसको संत कहेंगे। सन्नद्ध हस्त होकर के जो विराजमान साधन में भी और जो लक्ष्य में भी सन्नद्ध होकर के विराजमान हो, लक्ष्य के साथ में निरंतर निरंतर जुड़ा हुआ हो, ऐसी जो संत परंपरा यहाँ विराजमान है, उसे कोट कोट बंधन। श्री शिव स्वरूप महाराज जी का, भगवान का जो अवतार श्रीचंद्र प्रभु, उनका जो अपूर्व अवतार, वह विशेष रूप से कृपा का एक अद्भुत अवसर है। ठाकुर अत्यंत अत्यंत कृपालु हैं और जहां उनकी कृपालुता और मधुरता दो प्रकट हो, वो ही भगवत तत्व का जो तत्व है, उस तत्व का सर्वोत्तम पूर्ण प्रकाशन माना गया है। तत्व का तात्पर्य है वदन्ति तत्त्वमिदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते। स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य होकर के स्वयं सिद्ध जो पदार्थ है, नित्य सिद्ध पदार्थ, जिसका अभी अभी अलख के रूप में महाराज जी ने निरूपण किया, मैं तो अभिभूत था। मात्रा शास्त्र के संपूर्ण 13 अधिकरणों का पूर्व श्री पांडे जी महाराज ने जिस मधुर प्रकार से उनका स्पर्श किया और उनका जो निष्कर्ष है, उसको कहीं वितंच सारंच वचो ही वाग्मिता के रूप में जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, वह एक अद्भुत प्रस्तुति थी, जिसमें श्री मात्रा शास्त्र की अपूर्व महिमा और उसके ग्राह्य पदार्थ को, उसके निष्कर्ष को सुंदर रूप में निरूपण किया गया। मात्रा शब्द का अर्थ ये है सूक्ष्म आधारभूत वस्तु। जहां कहते हैं तन्मात्रा, तो जो पंच महाभूत हैं उनका जो सारभूत आधारभूत जो पदार्थ है, उनका सूक्ष्मतम जो पदार्थ है, वही तन्मात्रा कहलाएगा। जहां हम कहते हैं सन्मात्र, चिन्मात्र, आनंद मात्र, वहां मात्र शब्द का अर्थ श्री श्रीधर स्वामी पाद श्रीमद् भागवत के प्रकरण ये स्थापित करते हैं कि मात्र शब्द स्वरूपवाची है। सत या चित या आनंद उनका विशेषण नहीं है, केवल अन्य व्यावर्तन करने वाला नहीं है, बल्कि वह उनका अपना स्वरूप है।
सब उनका स्वरूप है, सब उनका विशेषण नहीं है। विशेषण अन्य व्यावर्तक होता है, परंतु सत स्वरूप ही होता है। वे त्रिकाल अबाधित होकर के कहीं विराजमान है, इसलिए सन मात्र है। स्वरूप और जहां उपाधि दो अलग अलग न हो, एक होकर के विराजमान हो, वहां पर कहा जाएगा चिन्ह मात्र। ज्ञान उनका विशेषण नहीं है, ज्ञान उनका स्वरूप ही है। आनंद उनका विशेषण नहीं है, आनंद उनका स्वरूप ही है। ऐसे वो जो पदार्थ है, जो तत्व है, त्रिकाल भेद शून्य या त्रिविध भेद शून्य स्वयं सिद्ध जो पदार्थ है, वह स्वयं सिद्ध पदार्थ ही पर होकर के विराजमान और उसमें भी उसकी मधुरिमा कहीं प्रकट हो, तो ये भूमि अद्भुत है। और यहाँ श्रीमद् भागवत की संहिता श्री कृष्णचंद्र को ही पर तत्व रूप में निरूपण करती हैं, सत्यम परम धीमहि के रूप में। वो जो परतत्व है, वो परतत्व कहीं परिपूर्ण रूप से प्रकाशित होते हुए विराजमान हो। श्रुतियों का भी परम परम उपास्य तत्व होकर के वह विराजमान है, इसलिए श्रुतियाँ भी कहीं ये ही प्रार्थना करती हैं कि वह मकते समा समुषोंग सरोज सुधा। तो श्रुति भी जिस पदार्थ को प्राप्त करना चाहती हैं, वह उस परतत्व का एक अत्यंत कृपामय स्वरूप है, और वो कृपामय स्वरूप ही जहाँ प्रकट होता है, स्वयं भी अवतार धारण करता है जीवों का कल्याण करने के लिए। ये संपूर्ण सृष्टि श्री प्रभु की कृपा का ही, जीव के ऊपर जो कृपा है, उस कृपा का ही एक निदर्शन है। भगवान तो निजानंद में परिपूर्ण है। ब्रह्मन कथम भगवतः चिन्मात्रस्या विकारेण लीलया वापि युज्येरन निर्गुणस्य गुणक्रिया। विदुर जी ने प्रश्न कर दिया कि जब भगवान स्वतः सिद्ध हैं, परम आनंद में हैं, फिर उनको सृष्टि करने की क्या आवश्यकता हुई? जो निर्गुण है उसको सृष्टि करने की क्या आवश्यकता हुई? जितनी भी सृष्टि, किसने मूड़ा, किसने मुड़ाया, किसका भेजा हुआ आया, जहाँ ये बात उत्पन्न होती है, वहाँ पर ये बात सहज ही उत्पन्न होती है कि इस सृष्टि के निर्माण का क्या कारण था। यह सृष्टि श्री प्रभु की अपनी किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं है, उनकी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं है। वे तो स्वतः तृप्त होकर के आत्माराम, पूर्णकाम होकर के विराजमान। आत्माराम उसे कहा जाएगा जिसको अपने सुख के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता न हो, उसका नाम है आत्माराम। जहाँ फल की प्राप्ति होकर के साधन का त्याग कर दिया जाए, उसका अर्थ है पूर्णकाम। भगवान ना आत्माराम है ना पूर्णकाम, भगवान आत्माराम भी हैं, पूर्णकाम भी हैं, उनमें दोनों चीज़ों में कहीं कोई कमी नहीं है। फिर उन्होंने सृष्टि क्यों की? उनकी सृष्टि का एकमात्र प्रयोजन निस्संदेह वह हम जीवों का कल्याण करने के लिए है, और उसी कल्याण के लिए श्री श्रीचंद्र भगवान कृपा करके पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुए, और उन्होंने साधन मार्ग का वह एक संतुलित स्वरूप प्रस्तुत किया, जिसमें ज्ञान साधना भी है, जिसमें भक्ति साधना भी है, और जिसमें योग को भी कहीं चित्तवृत्ति का निरोध करते हुए एकाग्र करने की एक पद्धति भी विशेष रूप से प्राप्त है। तो जगत की जो सृष्टि है, वह पूर्ण भगवान की अपनी किसी वस्तु के लिए नहीं है। यहाँ तक कि लीलार्थ सृष्टि का भी कहीं निषेध किया है कि अर्भक जो है, एक बालक, उसको या तो कोई दूसरा क्रीड़ा में प्रवृत्त करता है, या उसमें अपनी कोई कमी होती है,
जिसको पूर्ण करने के लिए वो लीला में प्रवृत्त होता है, क्रीड़ा में प्रवृत्त होता है। अतः लीलिया वापी जेरन निर्गुण से गुण क्रिया। श्री विदुर जी का अगला प्रश्न था तृतीय स्कंद में मैत्र मुनि से कि लीलार्थ सृष्टि भी नहीं मानी जा सकती है, भगवान में कोई कमी होगी इसलिए भी लीला कर रहे होंगे। उनकी लीलाएं तो अपने वैकुंठ धाम में, अपने गोलोक धाम में, अपने अप्रकट श्रीमद वृंदावन में सर्वदा विराजमान है। सृष्टि करने की जो आवश्यकता है वो सृष्टि करने की आवश्यकता उनको नहीं है। सृष्टि करने की आवश्यकता उन्होंने हम जीवों का कल्याण करने के लिए सोची होगी। जीव दो प्रकार के कहीं स्थापित किए गए परमात्मा संदर्भ में। श्री जीव गोस्वामी जी विशेष रूप से निरूपण करते हैं कि दो प्रकार के जीव हैं, एक नित्य माया की ओर उन्मुख और दूसरे नित्य मुक्त। जो नित्य मुक्त जीव हैं श्री गरुड़ विश्वक्सेन चंड प्रचंड कुमुद कुमुदेक्ष, ये जो भगवान के पार्षद हैं वे नित्य मुक्त हैं और स्वरूपतः जो वस्तु नित्य मुक्त है उसको माया कहीं घेर सकने की सामर्थ्य नहीं रख सकती है। परंतु दूसरे प्रकार के जीव हमसरी के अस्मदादवत हैं, जिन जीवों में कहीं सच्चित आनंद तो है परंतु वे अनुचित होकर के विराजमान हैं और जो अनुचित है उसको माया विमोहित कर सकती है। मायावी की माया मायावी को मोहित नहीं करती, वह दर्शक को मोहित करती है। इसी प्रकार ईश्वर की जो माया है वह ईश्वर को कभी विमोहित नहीं करती है, भगवान की माया भगवान को विमोहित नहीं कर सकती है। वे मायापति होकर के ही विराजमान हैं, जो अनुचित है उसको वह माया कहीं मोहित कर सकने में समर्थ है। परंतु श्री प्रभु अपने ही एक अंश जीव उनके प्रति सहज कृपालु है। मैं कृपा तत्व के ऊपर कहीं केंद्रित होना चाह रहा हूं और उसी का थोड़ा सा समय की सीमा पर, जो समय अप्रमत्त है इसलिए उसका बहुत थोड़े में मैं कहीं निरूपण संकेत मात्र करूंगा, केवल रेखांकित मात्र करूंगा। श्री प्रभु ने विचार किया कि इस जीव को माया मोहित किए हुए है। इस जहां जीव को आपने माया देवी को समर्पित किया उस अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए, वहां उस जीव के पूर्व जितने भी कर्म थे उन कर्मों को भी जगा दिया और उन कर्म संस्कारों के कारण जब ये जीव कहीं प्रवृत्त हो रहा है उसको माया देवी को समर्पित करने के बाद में कर्म भी जब जगा दिए गए तो उन कर्मों में जब प्रवृत्त हो रहा है तो भगवान एक और कर्म में प्रवृत्त करके उसे जीव के ऊपर कितनी कृपालुता है, कितनी कृपा है। मैं कृपा के ऊपर ही कहीं केंद्रित हूं कि जीव की उस कर्म बंधन उसकी निवृत्ति करने के लिए श्री प्रभु ने इस जगत की रचना की। जगत की रचना का जो मूल प्रयोजन है वह भगवान का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वह हम जीवों का कल्याण करना है। अब कर्म बंधन इतना है और अज्ञान का आवरण इतना ज्यादा है, जितना बड़ा आवरण होगा उतना ही बड़ा विक्षेप होगा। आवरण की जितनी घनी सघनता होगी विक्षेप की भी उतनी ही सघनता होगी और वस्तु में अवस्तु की जो प्रतीति है वह उतनी होती ही रहेगी। ऐसी स्थिति में श्री प्रभु ने इस जीव का कल्याण करने के लिए गुरु तत्व को कृपा करके प्रकट किया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ठाकुर का एक नाम है गुरु। विष्णु सहस्त्र नाम में जय 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 तो विष्णु सहस्त्र नाम में श्री गोपाल सहस्त्र नाम में ठाकुर का एक नाम है ठाकुर जी का, वो नाम है गुरु।
गुरु गुरु तपोधाम सत्य सत्य पर आक्रम। तो गुरु नाम किसी देह का नहीं है, एक व्यक्तित्व का नहीं है, गुरु एक शक्ति का नाम है, भगवत स्वरूप का नाम है। और उस गुरु तत्व को स्थापित करके हम सभी के जो बद्ध जीव हैं उनका कल्याण करने के लिए श्री प्रभु ने जहां अपने नाम और नाम स्वरूप नाम सेवा की सेव्य मूर्ति श्रीमद् भगवत गीता भगवत वचन प्रमाण श्री कृष्ण वाक्याय ब्रह्म सूत्राणि च भी समान भाषा व्यासस्य रूप में जहां अनुबंध चतुष्टय उनको प्रकट किया या कहीं अनुबंध त्रयी उनको कृपा करके प्रकट किया, उनके तात्पर्य को प्रकट करने के लिए श्री गुरु तत्व को भी उन्होंने कृपा करके प्रकट किया। और गुरु जो है हमारे सामने जो विराजमान है वह गुरु तत्वता कौन है? तत्वता गुरु के लिए एक शब्द बड़ा उपयुक्त है, उस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है श्री कृष्ण कृपा मूर्ति। ठाकुर जो कृपा करना चाहते हैं उनकी कृपा ही मूर्तमान होकर के श्रीमद् गुरु तत्व के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो ऐसी श्री गुरु तत्व के रूप में जो कृष्ण कृपा सामने विराजमान है उसके माध्यम से उनके अपने ही जो वचन हैं उन वचनों का कहीं विस्तार करते हुए उनका व्याख्यान करते हुए वो विराजमान होंगे। जो श्री प्रभु का आवेश अवतार के रूप में या आवेश के रूप में जो गुरु तत्व सामने विराजमान है उस गुरु तत्व के दो व्यक्तित्व हैं, एक व्यक्तित्व है चिन्मय व्यक्तित्व और दूसरा है उसका अपना व्यक्तित्व मनुष्य रूप में भी। हम जब गुरु वचन की बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से ये धारणा सुस्पष्ट होकर के विराजमान है, कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि जो गुरु के वचन शास्त्र के अनुमोदित हैं उनको तो कहेंगे हम गुरु वचन, और जो अन्य प्रकार से गुरु ने कोई वचन कहे वे एक व्यक्ति के वचन हैं, वे गुरु के वचन हो भी सकते हैं गुरु के वचन नहीं भी हो सकते। हाँ, तो जो वचन शास्त्रानुकूल है अतः तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, व्यक्ति के हर एक वचन वो गुरु वचन नहीं है। गुरु वचन वे होंगे जो शास्त्र से अनुमोदित होकर के विराजमान है। यदि आज गुरु ये कहे कि मुझे गोलगप्पा खाने की इच्छा है, ठीक है, वो भी एक गुरुवचन हो सकता है, पर वो मुख्य गुरुवचन नहीं। शास्त्र के अनुकूल जो वचन होगा उसको ही गुरुवचन कहा जाएगा। उसके मुख से अनेक अनेक व्यवहार के वचन भी आ सकते हैं, कहीं अन्य प्रकार के जो कहीं अन्य प्रकार से भी उसके वचन कहीं प्रकट हो सकते हैं, परंतु वे वचन मुख्य रूप से मुख्य गुरु वचन नहीं होंगे, वे कहीं गौण गुरु वचन ही होंगे। तो ठाकुर की एक कृपा कि उसने सृष्टि की और सृष्टि करके अकृतार्थ जीव को कृतार्थ बनाया। ठाकुर की एक दूसरी कृपा कि उसने अपने ही एक तत्व को जो गुरु तत्व है जिसका श्रीमद् भागवत के 27वें अध्याय में एकादश स्कंद में भगवान निरूपण कर रहे हैं कि विनायकम व्यासम गुरुम और देवम, ये भी कहीं पूजा प्रकार में श्रीमद् वैकुंठ में विराजमान है। तो एक गुरु तत्व होकर के समष्टि गुरु के रूप में वहां पर विराजमान है, उस समष्टि गुरु का ही एक अंश कहीं व्यष्टि गुरु के रूप में भी हमारे सामने विराजमान किया, जिसके ऊपर ठाकुर कृपा करना चाहते हैं। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य यद्यच्युत सत्समागमः समागमो यरि तदेव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते रतिः।
जो अशोक्ति अलंकार का चौथा जो भेद है, जहाँ पर वस्तु की अत्यंत सुनिश्चितता हो वहाँ पर चौथे प्रकार की अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और उसी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए कहा कि भवापवर्गः भ्रमतो यथा भवेत् समागमः। भाई भवापवर्ग तो बहुत दूर की बात है, पहले सत्संग होगा, समागम होगा, गुरु की कृपा होगी, साधन होगा, तब जाकर के कहीं भवापवर्ग होगा। बोले नहीं, सुनिश्चित है, अत्यंत सुनिश्चित है, इसलिए सत्संग को ही भवापवर्ग कह दिया। जो वस्तु अत्यंत सुनिश्चित है उसको पहले से कह दिया गया कि भवापवर्ग होकर के वो विराजमान है। तो ठाकुर जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं उसे अपनी शक्ति से संपन्न किसी संत से जोड़ देते हैं। जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ता है, जैसा रंग चढ़ता है वैसा साधन होता है, जैसा साधन होता है वैसी सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये उनकी अपूर्व कृपा है कि उस कृपा के माध्यम से वे जीव के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। अब तीसरी बात ठाकुर की कृपा की कि किसने मूड़ा और किसने मराया, ये कही जो बात है तो किसका भेजा नगरी आया, किसका भेजा हुआ ये जीव इस संसार में आया है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात होकर के विराजमान है। तो तीसरी जो साधन पद्धति है उन साधन पद्धति को कहीं स्थापित किया। ज्ञान के बिना भक्ति केवल विलास बन जाएगी, ज्ञान के बिना योग केवल सिद्धि और दूसरों को प्रभावित करने का एक माध्यम मात्र बन जाएगा, और भक्ति के बिना ज्ञान और योग अत्यंत शुष्क होकर के विराजमान हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान भक्ति और वैराग्य इनका एक त्रिक है जो सर्वदा सर्वदा विचरण करता है, और इस रज की एक विशेषता है कि यहाँ पर उस त्रिक को ज्ञान भक्ति और वैराग्य इन तीनों को ये रज श्री वृंदावन की ये रज ब्रज की ये रज उसे यौवन प्रदान करने वाली है, भक्ति को भी यौवन प्रदान करने वाली के विराजमान है। और उसी परंपरा को एक बहुत महत्वपूर्ण रूप में कहीं प्रस्तुत किया गया, और उसके लिए साधन जो निरूपण किया गया वह साधन निरूपण किया गया नाम। बस यही समाप्त करूंगा, समय अप्रमत्त है, नहीं तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है और बड़ा उल्लास है, परंतु नाम और नामी दो अलग अलग वस्तु नहीं है। श्री भगवान श्री चंद्र अपनी मात्रा में जो नाम का के ऊपर बल देते हैं वो नाम और नामी दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक होकर के विराजमान। सुविधा के लिए ऐसा मान लिया जाता है कि नाम संकेतक है और नामी संकेत्य है, परंतु दो वस्तु अलग अलग नहीं है। जैसे ये कहा जाए कि ये ब्राह्मण का शरीर है, भाई ब्राह्मण कहने से शरीर का ही बोध हो रहा है, फिर शरीर शब्द का अलग से प्रयोग क्यों करें? जब ये कहा जा रहा है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, तो शरीर का ही बोध हो रहा है, आत्मा न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है न वैश्य है न शूद्र है। पर सुबोध के लिए जैसे कह दिया जाता है ब्राह्मण का शरीर, जैसे सुखबोध के लिए कह दिया जाता है कि ये राहु का सिर है, अरे बेकार की बात, जो सिर है उसी का नाम तो राहु है, जो धड़ है उसका नाम केतु है, तो राहु कहने से ही अपने आप सिर का बोध होता है, परंतु सुखबोध करने के लिए जैसे कह दिया जाता है राहु का सिर, सुखबोध करने के लिए जैसे कह दिया जाता है ब्राह्मण का शरीर, इसी प्रकार सुखबोध करने के लिए कह दिया जाता है कि अलख का नाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।